मेरी बीवी की दलील सुन ले। मैंने आज सुबह अपनी प्लेट उसे किचन में रखने के लिए कहा तो ये मुझे ताने मार रही है कि मैं उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती हूँ। हाँ तो सासु माँ, अरे जो सच है वो कह दिया मैंने। सच तो ये है कि तू एक नंबर की कामचोर है। मस्त मस्त माँ, मस्त। हाँ हाँ सासु माँ, अरे कौन कामचोर है और कौन मेहनती वो तो सामने वाला देखकर समझ ही जाएगा सासु माँ। अरे जो मेहनती होता है ना वो मेरी तरह पतला होता है एकदम। मैं भी हाँ हाँ जीरो फिकर भाभी जैसा। और जो कामचोर होता है ना सासु माँ वो आपकी तरह होता है फुटबॉल जैसा गोल मटोल। ये चापली झूठ मूठ में झगड़ने के बहाने सचमुच में ताने मार रही है। अभी दिखाती हूँ। ये तो कुछ झगड़े क्यों रहे हैं? अरे वो इन लोगों के बीच झगड़ा करवाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ओ सागर भैया आप भी शामिल हो जाओ इस एक्टिंग की दुनिया में, मस्त मजा आएगा। अरे देखो इसको कहते हैं जीना। अरे सीखो कुत्तो सीखो। अरे झगड़ा नहीं करोगे ना तो रिश्ते में फीका फीका हो जाएगा। इंसान और जानवर में फर्क क्या है पता है? इंसान पढ़ा लिखा होता है लेकिन तुझ जैसे अनपढ़ गवार जानवरों से कम नहीं होते। देखा ना आपने, मॉम ने इस नाटक को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया। पता नहीं अब क्या होगा, आगे देखते हैं। सासु माँ, अब मुझे अनपढ़ और गवार कह रही हो तो आप भी तो तब... कोई सोनिया को भी कुछ बोलने का मौका देगा क्या? सोनिया को भी बोलना है। ओके ओके पापी, आप तो वैसे भी इस घर की बड़ी बहू हो ना, और बड़ी बहू होने के नाते आपने तो मुझसे भी ज्यादा जुल्म सहे होगे नहीं सासु माँ के? अरे जुल्म तो बहुत छोटी सी बात है मही, अगर मेरी सास का बस चले तो वो तो मुझे गला दबा के मार डाले। अरे पापी पापी। सोनिया ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा डायलॉग था ना, मस्त। अरे कमाल का था भाभी। बाप रे, सासू माँ का अपमान कर रही है और खुश भी हो रही है, गजब की बहू है ये भाई। अरे बेटा इन लोगों को रोको वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, जब इनके मन का गुबार निकल जाएगा तो ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे और उसके बाद खुश भी हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी जी ऐसा ही होगा, आप सब खुद देख लेना। देखिए अभी झगड़ा कर करके मेरा तो गला सूख गया पापा। हाँ पानी दे, पानी दे। आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, आपने खांसी की दवाई नहीं ली थी क्या? सागर भैया, अरे अभी तो ये तीनों जोर जोर से झगड़ रहे थे, अचानक। हाँ भाभी, अरे मॉम को खांसी कब हुई? भाभी अभी आगे और भी बहुत कुछ होगा, देखिए ना। वो क्या है ना, झगड़ने से मन की सारी भड़ास बाहर निकल जाती है और वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं सासु माँ? बराबर ना दादी माँ? अरे सही मई तूने कहा, एकदम ठीक बोला, बहुत अच्छा है ये बात। वैसे तो पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप मानते हैं ना कि दुख में रो लेने से मन हल्का हो जाता है? तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि गुस्सा आने पर गुस्सा करने से मन हल्का हो जाता है। सही कहा बेटी तूने, हमारा दिल सरकारी दफ्तर की अलमारी नहीं है जिसमें पुरानी बातों की फाइल बना बना के रख दी जाए। वाओ मॉम क्या बात कही है, लगता है आप लोगों को फिर भी हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिनसे इन दोनों के दिल की भड़ास निकल जाए और ये लोग झगड़ा करना शुरू कर दे। नहीं नहीं मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझसे भी ये सब नहीं हो सकता। अरे सोनाली बहन, सुनंदा जी आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। अच्छा सोनाली बहन आप मुझे बताइए, आपको अपने सासू माँ की ऐसी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जो जो आपको बहुत गुस्सा दिलाए? क्या कि ये मेरे सीधेपन की मजाक उड़ाती, घर में कोई मेहमान आए तो बोलती है मेरे बहू गाय जैसी है और इसकी अकल तो गई घास चरने। हाय हाय गाय, मतलब जानवर।
जानवर। आप रे, वो भी बिना बुद्धि वाला, बोलो। अरे वाह सागर भैया, देखा आपने मही ने कितनी आसानी से सोनाली को भड़का दिया। मैं भाभी वही देख रहा हूँ। हाँ। वैसे मही के इस टैलेंट के बारे में मुझे आज ही पता चला। मस्त। अच्छा सुनंदा जी, आपको आपकी बहू की ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी नहीं लगती? हमारे घर की हर बात इसके मैके वाले को बताती है। हमारे घर दाल भी जल गई तो ये बात इसके मैके वाले तक पहुंचाती है। बाप रे, ये तो बहुत 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 बुरी बात है। चुगली करने की आदत है आपकी बहू को। सागर भैया, मॉम भी कुछ कम नहीं है, कुछ भी। भाभी वही देख रहा हूँ और वही समझ रहा हूँ, ये टैलेंट ना औरतों में बाई डिफॉल्ट होता ही है। हाँ हाँ, मस्त है मस्त है। पर सागर भैया, आप ऐसे औरतों की बुराई कर रहे हैं या क्या? भाभी ऑफ कोर्स तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ ना? तारीफ। आप उधर देखिए ना, ड्रामा शुरू है उधर। ओके, ओके, मस्त। मासी, सोनाली बहन, आप दोनों को एक दूसरे की जो बात अच्छी ना लगती हो ना, उस पर गुस्सा करना शुरू कर दीजिए। चलिए चलिए झगड़ना शुरू कीजिए। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। मामा जी प्लीज। हाँ? आप दूसरे के सामने ऐसे मत कहिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं सीधी हूँ लेकिन मुझे सब समझ में आती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ बेटा प्लीज, हमारे घर की कोई भी बात अपने मायके वाले को जाके मत बताना। बस बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। नहीं सासू माँ, ऐसे तो कोई झगड़ता है क्या? रे सुनंदा जी, जरा चिल्लाइए, जरा गुस्सा कीजिए। आपकी बहू मैके जाके ससुराल की चुगली करती है, तो चुगली करने वाले को क्या कहते हैं? चुगलखोर। हाँ। तू क्या अपने मैके वालों की जासूस हो जो यहाँ की सारी बातें वहाँ जाके बता देती हो? इसमें चुगलखोर वाली बात कहाँ से आ गई? बेटी जब बहू होके आती है तो उसके मैके वाले और मैके से रिश्ता खत्म हो जाती है। आप भी तो कहते मेरे बारे में अपने रिश्ते वाले से, इसी हिसाब से हुई ना अब भी चुगलखोर। अच्छा तू ये है तेरा असली चेहरा, बड़ी सीधी सादी बनने का ढोंग कर रही थी तू। अरे ढोंग करने तो आपकी आदत है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी नकली औरत नहीं देखी। वाह 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 वाह, और झगड़ा करो करो, निकालो सारी भड़ा। तू तू मुझे नकली औरत बोलती है? नकली तो तू है, तेरी वो माँ है जो मुझे समदन जी कह के मेरे घर पे 8-10 दिन रह जाती थी। क्यों ना रुके, घर के ऊपर वाला हिस्सा मेरे मायके के पैसे से बना है, अगर आप उनके पैसे से घर बना सकती हो तो मैं उनको क्यों नहीं रुक सकती हूँ? मेरी माँ इधर जरूर रुकेगी। बस बस कभी बस बस, तुम मजे ले रही है? अरे बात बिगड़ रही है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए संभाल इन्हें, चुप करा। हाँ ससुमा, ओके ओके ओके, बस सास बहू, बस बस हो गया झगड़ा, चलो अभी गले मिलो सास बहू, चलो चलो। मासी, सोनाली बहन, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। टॉप अच्छी। हाँ, सालों का भड़ास निकल गया। वाह माई वाह, आज तूने कमाल कर दिया माई। ना ना वे सब सासू माँ, बस यही।